यह है iPhone 14 Pro Max Gold Color 512GB Indian Variant की अनबॉक्सिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पर्सनली इस iPhone के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको ये फोन अभी परचेस करना है तो बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो पिछले साल के iPhone की तरह इसमें कोई प्लास्टिक रैप नहीं है, आपको दो पुल टैब्स को पुल करना है एंड दैट्स प्रीटी मच इट। कैन वी टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट कि ये गोल्ड कलर कितना ब्यूटीफुल है। अभी इस साल का पर्पल नया कलर है और जो ग्रेफाइट कलर है उसको भी एप्पल ने रिफाइन किया है। मेरा जो 12 प्रो है वो पैसिफिक ब्लू कलर में और उसकी जो बेजल है वो ऑलरेडी डार्कर कलर की है। सो इन शॉर्ट जो स्क्रीन की बेजल है और जो मेन स्टेनलेस स्टील की फ्रेम है, अगर ये दोनों ब्लैक हो जाती है देन आपको ये फोन थिक लगने लगता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका डिस्प्ले थोड़ा स्लीक लगे देन गो फॉर द लाइटर कलर लाइक द गोल्ड कलर और द सिल्वर कलर। और बॉक्स में सिर्फ आपको चार्जिंग केबल मिलती है USB-C टू लाइटनिंग। तो अगर आपको अडेप्टर सेपरेटली लेना है यानी कि एप्पल का 20 वॉट का अडेप्टर देन उसके 1900 रुपए सेपरेट है। इट इज क्लासिक एप्पल। और पहली बार जब मैंने इस फोन को इन पर्सन एक्सपीरियंस किया ये मुझे ज्यादा फ्रेंडली लग रहा है। और नो डाउट पिछले साल का जो iPhone 13 Pro Max है और इस साल का जो 14 Pro Max है इनमें डिजाइन में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, iPhone 14 Pro Max में आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है। आई नो कि ये बहुत ही वियर्ड कंपैरिजन है बट जो iPhone 14 Pro Max है वो ज्यादा फ्रेंडली लगता है। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी ज्यादा ही इंटरएक्टिव है। वेरस विद द iPhone 13 Pro Max ये कुछ बुरा नहीं है। और नो डाउट इस फोन का जो डिस्प्ले और इस फोन का जो बैटरी बैकअप है इट इज कम्प्लीटली अमेजिंग। क्योंकि इसका जो डिस्प्ले इसमें आपको LTPO पैनल मिलता है तो इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 1 Hz से लेके 120 Hz तक फ्लक्चुएट होता है। और इसकी ब्राइटनेस भी 1600 nits है और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है 2000 nits। तो यहाँ पर नो डाउट डिस्प्ले एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है और इसका बैटरी बैकअप भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। बट द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द iPhone 13 Pro Max हैज टू बी रिगार्डिंग द कैमरा। इसके कैमरा में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स है बट iPhone 6s से लेके ये पहला iPhone है जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी नहीं मिलता, यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का मिल रहा है। हाँ, एंड्रॉइड में ये बहुत सालों से है पर यहाँ पर ये जो मेन फिजिकल सेंसर का अपग्रेड है यानी कि 48 मेगापिक्सल का सेंसर ये कम्प्लीटली नई डायमेंशन ओपन कर देता है। फॉर ऑल ऑफ द क्रिएटर्स फॉर ऑल ऑफ द टेक एंथुसियास्ट। तो ये है मेरे इनिशियल इंप्रेशंस और इनिशियल थॉट्स और ये कुछ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू नहीं है। और अभी मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियोस पे काम कर रहा हूँ तो आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।